हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्यन केमिस्ट्री की पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस में जो है और जो ग्रीन नार रिएजेंट है उसका हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें जनरली, पहले हम क्या करते हैं, जनरली हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उसमें। ठीक है, तो कि कैसे हम क्या करते हैं कि कोई एक सेलेक्टिव जो रिएक्शन होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव जो रिएक्शन होता है उसको हम कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, जैसे हमारे पास यह डबल बॉन्ड है और यहाँ सी डबल बॉन्ड वो है, और उसके बाद हमने ये चले लिया और यहाँ पर यमी है। अब हमने क्या किया, ई टी ओ एच ले लिया और एच प्लस ले लिया। ठीक है, तो ये अगर रिएक्शन करा रहे हो तो आप जानते हो कि अल्कोहल है और ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। एच प्लस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इसका इस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड था, यहाँ पर यमी है, और यहाँ पे बात करें तो सी डबल बॉन्ड वो होगा। और यहाँ आप जानते हो एस्टेरिफिकेशन में क्या होगा, यहाँ से वाटर निकाल लेंगे और यहाँ से ई टी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वो ई टी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है कि अगर हम यहाँ पर ग्रिगनार रिएजेंट ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम पी एच एम जी एंड उसके बाद जो है सी एल ले रहे हैं, और उसके बाद सी यू सी एल ले लिए और ई टी टू ओ ले लिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका ग्रिगनार रिएजेंट है और यहाँ कॉपर क्लोराइड के साथ अगर, या कॉपर के साथ है, तो इस कंडीशन में ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो सॉफ्ट जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करता है, आपका कहा गया था कि 1,4 क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, या हम कह सकते हैं माइकल एडिशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा। अब यहाँ पर इसे स्टीरियो केमिस्ट्री अगर देखें तो ये दो कंडीशन हो जाएगी, या तो ये अबव द प्लेन अटैक करे या तो फिर बिलो द प्लेन अटैक करे। तो हम इसका दो कंडीशन एक साथ लेके चलते हैं कि अगर ये क्या कर रहा है, एबव द प्लेन अटैक कर रहा है। ठीक है, तो एबव अटैक कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बिलो चला जाएगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ हो गया यमी और यहाँ ई एच जो होगा वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, और यहाँ जो पी एच होगा वो क्या हो जाएगा आपका एबव द प्लेन जाएगा। क्लियर हुआ, अब उसके बाद ये अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर गया और ये वो निगेटिव हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये डबल बॉन्ड है और वो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर एम जी होगा, उसके बाद क्या होगा आपका बी आर होगा, और यहाँ हो जाएगा ओ ई टी। क्लियर हुआ, अब उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे बिलो द प्लेन, ठीक है, तो बिलो द प्लेन अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर बिलो द प्लेन यही अटैक कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये बिलो द प्लेन में आपका पीएच जो होगा वो बिलो द प्लेन चला गया, तो ईएच कहाँ चला जाएगा आपका एबव द प्लेन जाएगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ से अगर ये बिलो द प्लेन अटैक कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ईएच जो होगा वो एबव द प्लेन जाएगा, और यहाँ पर कह सकते हैं यमी हो गया, और ये हो जाएगा आपका डबल वन और हो जाएगा वो निगेटिव, और हो जाएगा एम जी और होगा बी आर, यानी यहाँ पर सी एल था, सॉरी यहाँ पर सी एल है तो आप सी एल ले लेंगे, और यहाँ पर भी सी एल था तो यहाँ सी एल ले लेंगे। क्लियर हुआ, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका ओ ई टी हो गया। ठीक, अब वर्कअप आप अगर करा देते हो, ठीक है, तो वर्कअप कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये वो एच प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा और ये एच मिल जाएगा इसको, तो ऐसे यहाँ भी आएगा और ये एच हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर बात करते हैं, या तो आप एल्कोहल बना सकते हैं, ओ एच हो जाएगा, और कीटो इनॉल टाटोमेरिजम करा देंगे तो भी बात वही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पी एच हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बिलो द प्लेन एच हो जाएगा, और यहाँ पर यमी, और यहाँ पे अगर बात करें तो सी डबल बॉन्ड हो गया और वो ई टी हो गया। क्लियर हो गया, और यहाँ पर भी बात करें तो वो ई टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सी डबल बॉन्ड हो गया और वो ई टी हो गया, और ये बिलो द प्लेन गया पी एच, और यहाँ पर कह सकते हैं ई एच हो जाएगा और एम ई हो गया। तो अगर हम इसकी देखें कि आर ई एस कॉन्फिग्रेशन अगर चेक करते हैं इस सेंटर का, कायरल सेंटर का, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि नंबरिंग देखेंगे तो जो आपका CCCH5 है इसका नंबरिंग 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 2 होगा और ये होगा 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको आर ई एस कॉन्फिग्रेशन निकालना है तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका लेफ्ट में है ऐसे, इन्वर्टेड भी आप चेक कर लो, तो यहाँ देखो इन्वर्टेड भी यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर यमी और यहाँ पर 2 वाले कंडीशन में देखें तो यमी जो है वो थर्ड है पॉइंट, लेफ्ट में है, लेफ्ट में रखेंगे, यहाँ पे 2 है राइट में तो यहाँ पे राइट कर देंगे, और यह एबव द प्लेन देखिए, एबव द प्लेन जो भी होगा उसको टॉप पे, और बिलो द प्लेन होगा उसको क्या करना है बॉटम पे। तो यहाँ पर देखिए बिलो द प्लेन कौन है, 4 है, वो हो जाएगा बॉटम में। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 1, 2, 3 रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्लॉक वाइज रोटेशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आर कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इस सेंटर का, तो ये जानते हैं अगर वो आर है तो यस ही होगा, ठीक है। तो या तो आप निकाल भी सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका वन, और यहाँ पे टू होगा, और ये थ्री होगा, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन अबव द प्लेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए थ्री जो है लेफ्ट में है, लेफ्ट में लिख दिए, टू जो है राइट में है, तो यहाँ पे राइट लिखे, और वन जो है वो बॉटम में जाएगा क्योंकि बिलो द प्लेन है, और हाइड्रोजन जो है अबव द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। तो रोटेट करेंगे यस आएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 50% जो है आपका आर बनेगा, और 50% आपका क्या बनेगा, यस बनेगा। अगर अब यहीं पे बात आ जाती है कि अगर हमें क्या करना है, केवल आर बनाना है, ठीक है। अगर हमें आर बनाना है तो हमें क्या होगा, कायरल कोई सिस्टम यूज करना पड़ेगा, यानी कायरल पाथ यूज करना पड़ेगा, जिससे हम कह सकते हैं केवल आर जो है वो प्रोडक्ट मोस्टली बनेगा, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कि हम कैसे इसको रिएक्शन को आप सेलेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक कायरल जो है मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें मतलब कह सकते हैं इसमें बहुत से एग्जांपल हैं, हम लोग ये मतलब एक एग्जांपल इससे समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, आपका बिलो द प्लेन दिया हुआ है पीएच, और यहाँ पर दिया आपका सी डबल बॉन्ड वो दिया हुआ है, ठीक है। और तो हम इसको अगर कहें तो इसको कह सकते हैं टू ऑक्सा, टू ऑक्स एजोली डिनोन, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव होता है, ये क्या होता है आपका, डेरिवेटिव लेना है। और इसी को हम कह सकते हैं इवांस, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं, इसको जो है एक नाम है जिसका नाम होता है इवांस कायरल ऑक्सिलरी, कायरल ऑक्सिलरी, ठीक है। जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को हम सेलेक्टिव बना सकते हैं, कैसे। जैसे एग्जांपल में अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका हो गया डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर हमने लिया सी डबल बॉन्ड हो, और हमने OH ले लिया, और यहाँ पर हमने ME ले लिया, ठीक है। अगर हम इसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, SOCl2 के साथ, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो ये क्या करता है, क्लोरीनेशन कर देता है, यहाँ से OH निकल जाता है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अगर हम R है, O है, H है, ठीक है, तो एल्कोहल है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। करना क्या है होता है हमें, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप सी डबल बॉन्ड ओ लिए हैं और ओ एच है, ऐसे लिख लेना है, और एस ओ है तो एस ओ लिखना है, इधर सी एल, इधर सी एल, तो इधर से उड़ा देना है, तो क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल हो जाएगा, और यहाँ से कट करोगे तो एस ओ टू, तो यहाँ से निकलता है आपका एस ओ टू और माइनस के साथ, और एस सी एल भी निकल जाता है। तो यहाँ पे एक बात करें तो हो जाएगा आपका क्लोरीनेशन हो जाएगा, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और यहाँ पर सी एल, तो हम कह सकते हैं एसाइल क्लोराइड का फार्मेशन, यानी कह सकते हैं कि आपका एसाइल क्लोराइड का फार्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन जो ये रेजेंट लिए हैं उसको हम लगा दें अगर यहाँ पे, तो देखिए आपका डबल बॉन्ड था सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ वो था, और उसके बाद जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर है आपका एन, यहाँ पर देखिए एन है, और यहाँ पर ये एच है, ठीक है। अगर इसके साथ हम क्या करते हैं, कोई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड यानी बेस ले लेते हैं, ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लेते हैं बेस। अब बेस का काम क्या होगा, ठीक है, तो पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अगर लें तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से प्रोटॉन अब्सट्रैक्ट करेगा तो ये इधर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए पीएच है आपका बिलो द प्लेन, इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज, अब ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, तो यहाँ पर अटैक करेगा तो होगा क्या कि यहाँ से सीएल निकल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हो गया आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ हो गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, और फिर यहाँ पे बात करें तो सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, और वो निगेटिव यहाँ पर वो हो गया, और यहाँ पर ये ग्रुप हो गया, और यहाँ पर क्या आपका आपका पीएच आ गया, ठीक है। तो अब ये जो सेंटर है आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सेंटर यानी ये जो ग्रुप लग गया, ठीक है, ये जो ग्रुप है ये आपका बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रुप है ये इस सेंटर को यानी डबल बॉन्ड को क्या करेगा, आपको डाई स्टीरियोट्रॉपिक बना देगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे डाई स्टीरियो ट्रॉपिक हो जाएगा, ठीक है, डाइस्टीरियोट्रॉपिक सेंटर हो जाएगा, यानी इस डबल बॉन्ड को क्या करेगा, डाइस्टीरियोट्रॉपिक बना देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ये जो है इनकमिंग ग्रुप को यहाँ से, यहाँ देखिए ये बिलो द प्लेन है, तो इनकमिंग ग्रुप जो होगा यहाँ अटैक करना चाहेगा वो बिलो द प्लेन से नहीं आ सकता, अब कहाँ से आएगा, एबव द प्लेन है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, वही जो रेजेंट अभी हमने यूज किया था कि जैसे मान लीजिए हमने पीएच ले लिया, एमजी ले लिया,
और Cl ले लिया, और CuCl ले लिए, और Ag2O ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है pH अब अटैक करेगा। तो अब यहाँ पे जब अटैक करेगा तो मैंने कहा था कि यहाँ पे देखिए आपका ये बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन से तो आने नहीं देगा, तो कहाँ से अटैक करेगा, एबव द प्लेन से अटैक करेगा, ठीक है। तो अब द प्लेन से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ से अब द प्लेन अटैक करेगा, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो pH है वो एबव द प्लेन जाएगा, सॉरी एबव द प्लेन चला जाएगा, और जो हाइड्रोजन वहाँ पे रहा है, ठीक है, यहाँ का जो हाइड्रोजन रहा होगा वो कहाँ चला जाएगा, आपका बिलो द प्लेन चला जाएगा, ठीक है। तो ये बिलो द प्लेन होगा, और यहाँ मिथाइल मिथाइल आएगा, और उसके बाद आपका है सी डबल बॉन्ड वो हो जाएगा। देखिए फिर वही बात है कि यहाँ पे वो निगेटिव आएगा, फिर बी आर आएगा, वर्कअप होगा, तो यहाँ सी डबल बॉन्ड वो में हमने देख लिया था कि वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका यहाँ एन होगा, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो गया, वो हो गया, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो बिलो द प्लेन है वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए इसके बाद अगर हम क्या करते हैं कि अगर इसका हम वर्कअप करा, यानी क्या नाम है इसका, डीप्रोटेट, यानी इसको हम हटाना आप चाहते हैं तो इसको भी हटा भी सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कोई बेस ले सकते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड जैसे, और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ अगर क्या कर सकते हैं H2O2 के साथ और THF के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं, तो OH माइनस जो होता है वो यहाँ पे आकर के क्या करेगा, अटैक करेगा और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है H हो जाएगा, और ये जो होगा आपका PH हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ME, और उसके बाद जो है सी डबल बॉन्ड O है, और क्या हो जाएगा आपका OH होगा। तो देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो तो वही मिल गया हमें, सी डबल OH यानी एसिड मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, मिल गया। लेकिन अब ये जो ये इनकमिंग ग्रुप था इसमें, तो स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एबव द प्लेन है, और इसको कह सकते हैं ये आर कॉन्फ़िगरेशन वाला मिलेगा। अब इसका जो परसेंटेज होता है वो नियर अबाउट कितना होता है, 95%, तो हम कह सकते हैं 95% आर मिलेगा, और लगभग जो है वो 4-5% तक क्या मिल जाएगा आपको, यस मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिएक्शन को सेलेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं, और कुछ मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर यहाँ पर कहीं आपको कन्फ्यूजन है या कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।